अस्सलाम वालेकुम, ख़ौसिया फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आम पन्ना शरबत बना रहे हैं, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है, जिसे बच्चे और बड़े सभी शौक से पीते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg मैंने लिए हैं कैरियाँ, ये मैंने थोड़ी कच्ची पक्की ली हैं, आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी पक्की भी लेना चाहें तो, लेकिन मैंने थोड़ी कच्ची पक्की ली है ताकि इसका ज़रा अच्छा सा जो है हमारा आम पन्ना बने। तो हम पहले सबको छील लेंगे, सारी कैरी हम पहले छील लेंगे। ये देखें, इस तरह से करके सारा छिलका हम रिमूव कर देंगे, इसका ये हटा देंगे हम, ये वाला पार्ट जो इस तरह से करके। ये देखिए, हमने कैरियाँ सारी छील ली अपनी, कच्ची पक्की कैरियाँ ली थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा खटास नहीं पसंद, तो इस वजह से मैंने कच्ची पक्की ली थी। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये जो कैरियाँ हैं हमारी, ये सारी डूब जाएँ अच्छी तरह इसके अंदर, ताकि ये गल जाएँ उसके अंदर, और फिर इसमें हम चीनी भी डाल देंगे थोड़ी देर बाद। ये 1 लीटर पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकती हैं और छिलके के साथ भी उबाल सकती हैं, लेकिन इस तरह से और जल्दी उबलता है, इसलिए मैंने इसी तरह रखा है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। ये देखें, कैरियाँ हमने डाली थी इसमें, अभी इसमें से इसका जो पल्प है सब अलग हो रहा है, ये देखें सब अलग हो रहा है इस तरह से, ये हो जाएंगी। थोड़ा सा और इसका पानी कम हो जाए तो हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे, गुठलियाँ निकाल लेंगे और चीनी डाल देंगे। ये देखें, कैरियाँ हमारी बिल्कुल मैश हो गई हैं, देखें बिल्कुल पल्प जो है इसका वो अलग हो गया है। अब ये जिसकी गुठली है ना, वो हम निकाल लेंगे। ये देखें, गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल अब हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, सब हट गया। ये देखें, ये गुठलियाँ हमने अलग कर ली, और ये जो पल्प है ये भी हम सब हटा के और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और ये मैंने लिए 2 कप चीनी लिए। अब जब तक हम इसके अंदर ये डाल लें और इसको अच्छी तरह मैश कर देंगे ताकि ये पकती रहे, और ये जो बाकी का पल्प है हमारा गुठलियों में थोड़ा सा बचा हुआ, ये भी हम डाल देंगे। ये देखें, इसमें से ये गुठलियों में से भी हमने सारा पल्प निकाल लिया और इसमें डाल के पका दिया था हमने। अब ये देखें बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखें, सारा पल्प हमने डाल दिया, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये 1/2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर काला नमक ऐड कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, पल्प हमारा बिल्कुल रेडी है आम पन्ना। अब हम इसे एक ग्लास के अंदर डालेंगे। अब हम इसमें बर्फ डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और ये हमारा बेहतरीन सा आम पना तैयार है। पूरी गर्मियों में इसे आप बॉटल में करके रखें और सेव कर लें, ये 2 से 2.5 महीने तक ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर चीनी डाल के हमने पकाई हुई है, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इसे, और इससे लू भी नहीं लगेगी। बच्चों को भी दें, खुद भी पिएँ। और ये देखना है, ज़बरदस्त ठंडा ठंडा हमारा आम पन्ना बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।